मंदसौर जिले के व्यापारियों के साथ मिर्ची पाउडर डालकर लूटने की नाकाम घटना को लेकर के व्यापारियों में आक्रोश था, जिसके लिए सभी नगर के व्यापारियों ने एक ज्ञापन मंदसौर पुलिस अधीक्षक को भी दिया था। उस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई में तेजी लाई गई और आरोपियों को पकड़े गए, जिसका खुलासा आज मंदसौर उप पुलिस अधीक्षक मनकाम प्रसाद ने किया गया। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। आधे शाम पाटीदार अपने शॉप से पैसे निकालने गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने लगभग 25 लाख रुपये निकाले थे। वो पैसे लेके वापस में पंप जा रहे थे, पंप से वो किसानों को अन्य प्रकार के व्यक्ति जो प्रोड्यूस खरीदते हैं उसका नगर के भुगतान करते हैं, उसी के चलते वो 21 लाख रुपये लेके जब एकदम पंप के पास पहुँचे थे, अज्ञात आरोपियों द्वारा फॉरेस्ट नर्सरी के पास लूटने का प्रयत्न किया गया था। व्यापारी द्वारा अदम साहस का परिचय देते हुए वो पैसे का बैग नहीं छोड़ा था, लेकिन पुलिस के लिए सनसनीखेज घटना के रूप में चिन्हित किया गया था कि दिन में कोई व्यक्ति बैंक से पैसे लेके जा रहा है और कोई व्यक्ति उसको दिन में लूटने का प्रयत्न करे, पुलिस ने चुनौती रूप में लिया। इसी तारतम्य में IGC और DIG स्टेशन ने टीम का मेरे अधीनस्थों के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और हमको एक टास्क दिया गया। धीरे धीरे पुलिस ने तकनीकी डाटा, CCTV फुटेजेस, अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र करते करते कोतवाली पुलिस को एक जानकारी प्राप्त हुई थी, कोई एक आरोपी यहाँ पर कुछ पैसे को एकत्रित करके जिला मंदसौर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। पुलिस को जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा उसे पूछताछ के लिए लाए गए और हम लोगों ने घटनाक्रम में घटना दिनांक उसकी उपस्थिति तब्दील की गई। धीरे धीरे पूछताछ के क्रम को आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने घटनाक्रम को उन्हें करना स्वीकार किया। साथ ही ये भी इस प्रकार घटना उन्हें बताई कि जो हमारे जो कशीपुर मंडल में कार्य करते हैं, पहले एक नाम अन्नू नाटी, दूसरा नाम नई मजमेरी है। नई मजमेरी राधेश्याम पाटीदार की यहाँ पर स्थायी रूप से हमारे कार्य करता है। वो प्रत्येक दिनों से देखता था कि सेठ लगभग 40-50 लाख रुपये ना बैंक निकाल के लाते हैं और किसानों को बांटते हैं। उसी चलते उसके मन में लाना चाहिए, उसने बोला कि उन्होंने इनको लूट लिया था ताकि हम लोग बहुत सारी राशि एक साथ मिल जाए। तो ये दोनों व्यक्ति सबसे पहले इमरान नाई के पास गए। इमरान ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं, मुझको इस कार्य को अंजाम देने में अन्य साथी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अन्य साथी फैजान मंसूरी, समीर उर्फ काला मेवाती, जुबैर हुसैन और शाहिद शाह, टोटल 7 व्यक्ति हो गए। इनने शिवजी पार्क जिला मंदसौर के अंदर योजना बनाई कि हमको किस प्रकार लूटना, योजना के अंतर्गत फाइनल किया कि हमको चेहरे छुपाने के लिए गमछा टोपी, चलने के लिए बिना नंबर की मोटरसाइकिल, डराने के लिए कट्टे और हमको इन्हें चाकू की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के चलते अलग अलग व्यक्तियों ने टास्क लिया और अलग अलग व्यक्तियों ने सामान एकत्रित कर लिया गया। साथ में इनको ये भी पता था कि जिला मंदसौर में पुलिस के द्वारा कहाँ कहाँ कैमरे स्थापित किए गए, उनसे उनकी पहचान स्थापित सकती थी। उन कैमरों से बचाव हासिल करते हुए 4 साथी पहले थे, उनके आरोपी साथी फॉरेस्ट नर्सरी के पास में खड़े हो गए और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे इमरानों ने थे। इन लोगों ने जब जैसे ही ना फरियादी की मोटरसाइकिल पास में आए, इन लोगों ने फरियादी मोटरसाइकिल को लात मार के गिराने का प्रयत्न किया और सफलता हासिल कर ली। जैसे गिरे उनके आंखों में मिर्च डाल के पैसे का बैग लूटने की कोशिश की गई, परंतु व्यापारी द्वारा पैसे का बैग नहीं छोड़ा गया। इसी को घटना पर वो देखते हुए वहाँ से ऑटो चालक गुजर रहा था, उसको ये लगा कि कहीं ना कहीं इनको विवाद हो रहा, तो ऑटो चालक ने इन लोगों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग होने के बाद जो उसके पूर्व से 4 साथी वो खड़े हुए लूटने के प्रयास में उसको मदद करते हुए चारों सबसे पहले वो भागे। साथ में जो एक दूसरा आरोपी था वो फॉरेस्ट नर्सरी भागा और इमरान मोटरसाइकिल लेकर पुनः भाग गया। पुलिस द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले